हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास टेंथ का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। 15 एमसीक्यू देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ये जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, 22 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है ना। 22 फरवरी को आपका पेपर है और हम लोग जो है ना क्या कहते हैं हिंदी के देखने वाले, हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको कमेंट में बताना कि आपको और किस सब्जेक्ट का जो है चाहिए, ठीक है ना। किस सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए और किस तरह से चाहिए आपको जो है कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अगली वीडियो आपके ही जो है जो आप बताएंगे उसी पे आएगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से बेहतरीन समझ में आए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहला हमारा, जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। चौथा, प्रबंध प्रजाति के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो बताइए पहले में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो है ना कमेंट में बताते रहना है, कमेंट में जब आप लोग बताते रहेंगे तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये प्रबंध प्रजाति के जो लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, धूम स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका आप जो है ना आंसर आप लोग देते रहिए, और ठीक है इसको जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है उन लोगों को भी फायदा मिलता रहे, ठीक है ना। आपको कमेंट में इन सभी के आंसर बताते रहना, कमेंट में आपको क्या करना है, इन सभी के आंसर बताते रहना, ठीक है ना। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का हमारा तीसरा वाला धूम सामनी जो है ना वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो देखिए ये चीज़ अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो इन सभी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि धूम सामनी ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हैं, ठीक है ना। कलम का सिपाही हुआ ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यात लब्ध कवि हैं। तीसरा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। चौथा हमारा, कहानी जो है के लेखक जयशंकर प्रसाद भारती ममता कहानी के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक आप लोग जल्दी से कर दीजिए, ठीक है ना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इच्छा करे तो, ठीक है ना। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, जल्दी से लाइक कर देना है। सब्सक्राइब आपकी इच्छा के ऊपर, लेकिन लाइक आपको जरूर से करना, और शेयर भी करते रहिए, शेयर भी आपको करते रहना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे का हमारा जो है पहला ऑप्शन, गोदान प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है ना। तीसरे का हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, जिसने जिसने कमेंट में पहला बताया उसको जान लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। दूसरा, इला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तीसरा, मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा, इरावती वृंदावन वर्मा की जो है वो रचना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का। चौथे का हमारा, इला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चौथे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने कमेंट में बताया है तो बहुत सही बात है। जो जो आपके लिए मैं एक क्विज रख रहा हूँ, कि जो भी अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर जो भी सबसे पहले देगा, टॉप 5 का बता रहा हूँ मैं, जो भी टॉप 5 के लिस्ट में आएगा उसका नाम मैं अपने चैनल के जो है वीडियोज़ में लूँगा और उसको जो है बधाइयाँ दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार है। चौथा, स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो पांचवे के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवे का हमारा दूसरा ऑप्शन, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो दूसरे वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताते रहना, शेयर कर दीजिए जल्दी से,
जल्दी से आप लोगों को शेयर करते रहना है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है छठा, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? तिब्बत यात्रा किसकी है? किसकी है तिब्बत यात्रा? पहला राहुल संस्कृतायन, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जनेन्द्र, चौथा अज्ञेय। तो आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ये जान लीजिए, एक तरह से ट्रिक है। जहाँ पर यात्रा की बात आएगी, यात्रा की, वहाँ पर हमेशा जो है राहुल संस्कृतायन ही अगर ऑप्शन में है तो आप राहुल संस्कृतायन ही मार के आइए करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अधिकतर राहुल संस्कृतायन ने ही, यात्रा वाले जितने भी वो है ना, इन्होंने ही लिखी है, ठीक है ना, सब इन्होंने ही लिखी है अधिकतर। बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके गलत होने की। तो अगर आपको चार ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा है तो आप राहुल संस्कृतायन ही यात्रा में मार के आइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सातवां, क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, क्या लिखूं? पहला निबंध, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा कहानी। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें का हमारा पहला ऑप्शन निबंध, निबंध बिल्कुल ही एकदम रट्टा मान लीजिए। क्या लिखूं अगर आप, ये ना आपके चैप्टर का ही है, क्लास टेंथ का चैप्टर ही है, मैं क्या लिखूं? तो अगर आपने इसको नहीं कर पाए तो जान लीजिए आप बहुत ही पुअर क्वालिटी में है, बहुत ही पुअर क्वालिटी है आपकी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करते रहिए। आठवां, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही हो उसे पहचान कर लिखिए। पहला जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की विख्यात है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आठवें का, आठवें का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये ऑप्शन क्या सही होगा? जल्दी से मुझे बताइए आठवें का क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। तीसरा वाला, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आठवें का तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बार क्लियर कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसी वजह से आप लोगों को जो है दिमाग से काम करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो भी लोग इसका जल्दी से जल्दी टॉप 5 कमेंट करेंगे, टॉप 5 में जो आएगा लिस्ट में इसका आंसर में, ठीक है ना, उसको जो है अब मेरे चैनल पे उसका नाम लिया जाएगा, मैं खुद उसका नाम लूँगा और उसके बाद उसको बधाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी रहेगा, इसका आपको कमेंट जो है आंसर में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा आता है चिंतामणि निबंध संग्रह है। पहला रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल जैनेन्द्र, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? दसवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दसवें का जो है रामचंद्र शुक्ल। अगर इसको आप लोग नहीं कर पाए, क्योंकि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का जब आप जीवन परिचय याद करेंगे तो उसमें आपको जो है रचना याद करनी पड़ेगी, रचना, तो रचना में चिंतामणि जो है सबसे पहले आता है, ठीक है ना, चिंतामणि सबसे पहले आता है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो जान लीजिए आपकी क्वालिटी एकदम बेकार है। 22 फरवरी में आप क्या ही लिखेंगे ये आप ही जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल ही एकदम से तैयार कर लेना कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की, देखिए कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चिंतामणि हो गया, कलम का सिपाही हो गया, ठीक है ना, कलम का सिपाही वाला हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 11वां हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक साथ है उसे पहचान कर लिखिए। पहला धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं, त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध उपन्यास है, कुटुच डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, अर्धनार ईश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? 11वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जो कुटुज है ना, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, ठीक है ना, किसका प्रसिद्ध निबंध है? कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी बताइए सही होगा नहीं होगा? 11वें का सही होगा नहीं होगा? बिल्कुल ही हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 12वां, गबन उपन्यास, गबन उपन्यास किसकी? प्रेमचंद्र की, निराला की, प्रसाद की, अज्ञेय की, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, पहला सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र। अगर आप लोग इसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप लोग की बहुत ही, जान लीजिए, बहुत बेकार हालत है। आपको जो है MCQ देख के जाना, आप जब पेपर देने जाएंगे ना तो आपको YouTube से कम 100 MCQs देख के जाना है। 100 MCQs जब आप देख के जाएंगे तो आप उसमें से आपका जो है 20 MCQs फंस जाएगा, और अब उसमें 20 में भी आपको, जान लीजिए, 15 से 16 MCQ फंसता है, 5-6 नहीं फंसता है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग देख के जरूर से जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 है, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, नाटक, कौन सा है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कीवर्ड पकड़िए, प्रेमचंद्र अपने घर में है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रेमचंद्र के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? प्रेमचंद्र के। तो जब किसी के बारे में बात होगी तो क्या कहते हैं वो आत्मकथा के रूप में एक तरह से देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन आत्मकथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मकथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से जो है विकल्प आपको चयन करना है। पहला झूठा यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौदह का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौदह वाले का हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ चीज़ आपको ना समझना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, तो कुछ आपको ट्रिक लगाना है, कुछ दिमाग लगाना है। तो ये सब जब आप लोग MCQ देखेंगे ना तो कम से कम 100-150 MCQ देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से MCQ का ट्रिक होता है, कौन सा ऑप्शन अधिकतर से होता है। आप देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि मैं जितना भी MCQ आपको बता रहा उसमें से पहला तीसरा ऑप्शन अधिकतर सही जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ट्रिक्स देखने हैं, तो इस तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। आप चाहे देखिएगा वीडियो को दोबारा से, आप लोग देखिएगा और देखिएगा एक और तीन अधिकतर सही, बहुत ही कम है जिसमें दो और चार सही होगा, बहुत ही कम, इक्का दुक्का होगा या बहुत ज़्यादा तीन होगा बस, बाकी अधिकतर में एक और तीन आंसर सही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ट्रिक लगा के काम करना है। चौथे का तीसरा और हमारा आता है 15वां प्रश्न, आखिरी एवं अंतिम प्रश्न आ जाता है हमारा, आखिरी एवं अंतिम प्रश्न। सही विकल्प का चयन करना। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं, दूसरा राहुल संस्कृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा, एक रिपोर्ट ताज है, कलम का सिपाही जीवनी विदा है, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित रिपोर्ट आ रहा है। देखिए राहुल संस्कृतायन का जुड़ाव आ गया कि नहीं मेरी तिब्बत यात्रा से? तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब क्या होगा, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया राहुल संस्कृतायन तिब्बत यात्रा है तो आप सब लोग दूसरा मार देंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। ये जो मेरी तिब्बत यात्रा तो इनकी है ही एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन एक रिपोर्ट ताज है, रिपोर्ट ताज नहीं है ये। ठीक है ना, रिपोर्ट ताज नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही इसको तैयार कर लीजिए, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे हमारा वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्लास टेंथ का था, MCQ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा 15 MCQ था हुआ था। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, 22 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ठीक है, एक तो था क्या कहते हैं, आप लोग बिल्कुल ही रेडी हो जाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपना क्यूज मत भूलिएगा, टॉप 5 में आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग को जल्दी से कमेंट में बता देना हम लोग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत। और जाने से पहले एक बात और जान लीजिए कि जो है आप लोगों को एकदम से बढ़िया चीज़ कर लेना है, आपको जो है कमेंट में बता देना है कि आपको किस वीडियो चाहिए, अगली हमारी कौन सी वीडियो होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं।